वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू एसएससी क्रैकर। एसएससी क्रैकर चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। ऑलरेडी मैं प्रोनाउन लेक्चर कर चुका हूँ, ये आज हमारा लेक्चर रहेगा नाउन से। एंड नाउन सबको पता है कि नाउन क्या है, ओके सॉरी। देखिए केस में, देखिए पहले नाउन में द रिलेशन इन व्हिच ए नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और द चेंज ऑफ द फॉर्म बाई विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। मीन्स केस चार प्रकार का होता है, नोमिनेटिव केस जिसको हम सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस पता है, एंड पॉजिटिव केस पता है, एंड उसको बोलते हैं जेनेटिव केस। पॉजिटिव केस मीन्स ए अपोस्ट्रोफी सेक्स, उसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। एंड और एक होता है वोकेटिव केस, ओके वोकेटिव केस मीन्स संबोधन करना किसको, ओके। तो यहाँ हम मुख्य रूप से पॉजिटिव केस की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नाउन के साथ नोमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नोमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है। जैसे देखिए राम लव सीता, ओके यहाँ पे राम क्या है सब्जेक्ट है, लव से आपका भौर वे, सीता आपका ऑब्जेक्ट है, एंड राम इसमें क्या है आपका, सॉरी इसमें छोटा कर, राम यहाँ पे क्या है नोमिनेटिव केस है, एंड लव से यहाँ पे भौर वे, एंड सीता यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है। बट इसको अगर चेंज कर देगी सीता लव श्री राम, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नोमिनेटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस में। सिर्फ यहाँ पे क्या है भौर में कोई, सॉरी भौर में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपका सीता यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सॉरी देखिए यहाँ प्रोनाउन में नोमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है, जिसके विस्तार में से चर्चा ही प्रोनाउन के अंतर्गत करेंगे। वो प्रोनाउन में बाद में हम ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव केस क्या होता है, देखिए पॉजिटिव केस पोजिशंस या ओनरशिप, ओके पॉजिटिव केस पोजिशंस अधिकार या ओनरशिप, यह पोजिशन या ओनरशिप बताने का काम मिस अपोस्ट्रोफी एक्स या ऑफ का सहारा किया जाता है। कहीं पे आपका ऑफ लगाएंगे, कहीं पे एस अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। जैसे आपका पहला देखिए शेक्सपियर्स प्लेज या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, देखिए शेक्सपियर्स प्लेज या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर, किंतु आप सभी जगह पर अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं और यहाँ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, वहाँ इसका प्रयोग कर परीक्षा में प्रॉब्लम दिया जाता है। जैसे ए टेबल्स लेग, देखिए शेक्सपियर्स क्या है आपका जीवित वस्तु है, बट सॉरी ये इसका है तो टेबल्स क्या है इसमें निर्जीव है, तो टेबल्स लेग नहीं होगा, यहाँ पे लिखेंगे द लेग ऑफ द टेबल, ओके द लेग्स ऑफ द टेबल वेयर ब्रोकन बाय माई एंग्री ब्रदर, ओके द लेग्स ऑफ द टेबल, ओके। यहाँ पे देखिए इस वाक्य में ए टेबल्स लेग का प्रयोग गलत है, हमें द लेग्स ऑफ द टेबल, सो द लेग्स ऑफ ए टेबल कहना पड़ेगा, क्योंकि टेबल बेंच आदि निर्जीव पदार्थ है जिनके साथ एस का प्रयोग गलत होता है। तो निर्जीव आप जहाँ पे निर्जीव आपका वस्तु होगा वहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे टेबल्स लेग वेयर ब्रोकन बाय माई यंगर ब्रदर, यहाँ पे होगा द लेग्स ऑफ ए टेबल, ओके द लेग्स ऑफ ए टेबल, ओके यू आर ब्रोकन। नाउ देखेंगे मानव जाति जानवर के साथ हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी सेक्स या पॉजिटिव केस, जैसे मैन्स लाइफ राम्स लाइफ डॉग्स कैनल्स काउस टेल्स। उसके बाद यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ओके यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, जैसे डेथ्स आई सियान फॉर्च्यून्स फेवरेट, ओके यहाँ पे आपका वो बोला यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाए, अगर किसी निर्जीव पदार्थ को मानव से उस फॉर्म में उसको लिया जाए, जैसे डेथ्स आई सी हैन एंड फॉर्च्यून्स फेवरेट, ये आपका एस यहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट देखिए समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे ए मूमेंट्स डेली, ए वीक्स लीव, ए मंथ्स एब्सेंस, इसमें आपका अपोस्ट्रोफी सेस लगेगा। समय बताने वाला शब्दों यहाँ ए मूमेंट्स डेली, ए वीक्स लीव, ओके ए मंथ्स एब्सेंस यहाँ पे आपका होगा। नेक्स्ट देखिए आज हम सिर्फ पॉजिटिव केस करेंगे। देखिए वजन बताने वाला शब्दों के साथ यदि उनके बाद वेट शब्द का प्रयोग हुआ, जैसे ए टॉन्स वेट, यहाँ पे टॉन क्या वजन बताता है, ए ग्राम वेट, ओके अगर उसके बाद वेट का प्रयोग हुआ तब तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या फिर पॉजिटिव एस लगेगा। फाइव देखिए मनी की इकाइयों के साथ यदि उनके बाद वैल्यू वर्थ का प्रयोग होता है, जैसे ए रुपीज़ वैल्यू, ए पाउंड्स वर्थ, ओके तो अगर मनी का कुछ आएगा ए रुपी वैल्यू नहीं होगा, ए रुपीज़ वैल्यू होगा, अगर उसके बाद वैल्यू एंड वर्थ आएगा
ए रुपी वैल्यू और फिर ए पाउंड वर्थ। ओके, स्पेस बताने वाले शब्दों को देखिए, स्पेस बताने वाले शब्दों को पहले प्रयुक्त नाउन के साथ, जैसे ए रजर्स एज, ए निडल्स पॉइंट, ए बोट्स लेंथ। ओके, तो स्पेस बताने वाला ए रजर्स एज, ए निडल्स पॉइंट, ए बोट्स लेंथ, स्पेस बताने वाले शब्द के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ उसे यूज करते हैं। जैसे डॉजर्स एज स्पेस बता रहा है, इंडिडिल्स पॉइंट एक स्पेस बता रहा है, ए बोर्ड्स लेंथ लेंथ का स्पेस बता रहा है। तो कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं जैसे सम डिग्निफाइड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जैसे द अर्थ सर्फेस, ओके अर्थ ग्राविटी, देखिए यहाँ पे द अर्थ सर्फेस और ग्राविटी क्रिएचर्स एरिया एटेस्टा मीन्स अर्थ सर्फेस, कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तु के लिए, जैसे अर्थ सर्फेस ये आपका नेचुरल है। ओके, तो यहाँ पे बचेगा आर्थ सरफेस, आर्थ ग्रेविटी, द सन्स रेज, हेवेंस विल, द हार्ट्स कंटेंट, ओके द सोल्स डिलाइट, जॉनिस, द माइंड्स आई। ओके, इसमें इसके साथ आप लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट देखिए एट में, कुछ खास परिस्थितियों में एक्सप्रेशन को छोटा रखने के लिए हम यूज करते हैं अपोस्ट्रोफी एस। देखिए द शिप्स, द ट्रेन्स अराइवल, द शिप्स अराइवल, द शिप्स डिपरेचर, द बोट्स क्रू, द प्लेन्स डिपरेचर। ओके, ऐसा है जैसे इस अपोस्ट्रोफिस के प्रयोग के संबंधित कुछ खास बातें। देखिए इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, दो लगातार नाउन पर एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे राम्स वाइफ्स कैरियर, लगातार नाउन के साथ आप एक एस प्रयोग नहीं कर सकते, आप एक ही नाउन में एक्स प्रयोग करेंगे, जैसे राम्स वाइफ कैरियर। ओके, या फिर यहाँ पे द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ, ओके राम्स वाइफ कैरियर, या फिर द कैरियर ऑफ राम्स वाइफ का प्रयोग करना चाहिए। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर एस का प्रयोग होता है, जैसे ही सॉन्स इन लॉज, देखिए सॉन इन लॉज बोलते हैं यहाँ पे, ना कि हम यूज कर लेते हैं कभी कभी सॉन्स इन लॉज, सॉन्स इन नॉन नहीं होता है, होता है सॉन इन लॉज। ओके, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, ओके द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। ओके, यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन के प्रयोग होता है, नाउन इन अपोजिशन के साथ एज का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजीव माय फ्रेंड्स फादर, माय फ्रेंड राजीव फादर, राजीव माय फ्रेंड्स फादर, ओके माय फ्रेंड राजीव फादर। ओके, सेम चीज़ है, यदि दो नाउन क्लोजली रिलेटेड होते अंतिम नाउन के साथ आप अपोस्ट्रोफिस एज का प्रयोग होता है, जैसे राम एंड सीता सन, ओके ना कि राम एंड सीता श्याम सन, वो भी बोल सकते बट राम्स एंड श्याम सीता सन ए आपका नहीं होगा, होगा अगर आपका होगा राम एंड सीता सन, बट यहाँ पे हमारा होता है राम्स एंड श्याम सन। ओके, देखिए राम एंड एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन के साथ एस का प्रयोग होता है, जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। ओके, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, इसके साथ अपोस्ट्रोफिस यूज कर सकते हैं, जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। यदि एनीबडी, समबडी आदि के बाद एल्स का प्रयोग होता है तो अपोस्ट्रोफिस एस का प्रयोग एल्स पर किया जाता है, जैसे यहाँ पे आई लाइक योर डिसीजन एंड नॉट एनीबडी एल्स। ओके, एनीबडी एल्स, एल्स में आपका होगा अपोस्ट्रोफिस एस। आई फॉलो योर सजेशन एंड नोबडी एल्स, वहाँ नोबडीज एल्स नहीं होगा, नोबडी एल्स होगा। ओके, ईच अदर या वन अनदर के साथ एस का प्रयोग होता है, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडिया। ओके, दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज। ओके, उसके बाद देखिए ए प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन कंस्ट्रक्शन में अंतिम नाउन के साथ आप लगाएंगे अपोस्ट्रोफिस एस। देखिए ए फ्रेंड ऑफ माय ब्रदर्स, देखिए ए प्लस फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, फिर से प्लस ऑफ आ गया, उसके बाद आया यहाँ पे ब्रदर्स के लगाए गए, ए हाउस ऑफ राम्स। ओके, ए हाउस ऑफ राम्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे दी होगा, द प्लस नाउन प्लस अ प्लस नाउन, उसके बाद आप अपोस्ट्रोफिस एस नहीं लगाएंगे। देखिए किंतु ए पिक्चर ऑफ राम, राम की एक पिक्चर, देखिए यहाँ पे नहीं होगा, ए पिक्चर ऑफ राम्स नहीं होगा, ए पिक्चर ऑफ राम होगा। ओके, ए पिक्चर ऑफ राम्स, राम के पास ही तस्वीर में एक, ओके ए पिक्चर ऑफ राम्स। ओके, यहाँ पे देखिए ए पिक्चर ऑफ राम मीन्स राम की एक तस्वीर, एंड यहाँ पे ए पिक्चर ऑफ राम्स, ओके पिक्चर ऑफ राम्स मीन राम के पास की तस्वीर में एक। ओके, तो यहाँ पे चेंज करना होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम देखिए, यू नो इट वेल दैट यू सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माय एडवाइस बट ऑन समबडी एल्स। देखिए समबडी एल्स यहाँ पे यूज हुआ है, यहाँ पे समबडी एल्स में अपोस्ट्रोफी से लगाएंगे, समबडी एल्स होगा। ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ द मिनिस्टर्स, देखिए वन आया, उसके बाद क्या है, वन ऑफ द
मिनिस्टर्स रेसिडेंट्स एंड स्टेड देयर ऑल नाइट। ओके यहाँ पे देखिए, ही इन्फॉर्म मी दैट ही हैड गॉन टू वन ऑफ, देखिए वन ऑफ द मिनिस्टर्स रेसिडेंट्स। ओके ये आपका एकदम करेक्ट है। द बिल्डिंग्स रूफ, देख नहीं होता है, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स रूफ नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू मेनी पर्सन्स डेथ। ओके द बिल्डिंग्स रूफ, ओके यहाँ पे द रूफ ऑफ द बिल्डिंग होगा, द बिल्डिंग्स रूफ नहीं होगा, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स रिपेयरिंग अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इन टू माई पर्सन डेथ। ओके आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिस हाउस, देखिए आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिस हाउस, देखिए दोनों नाउन में अपोस्ट्रोफी एस नहीं यूज होता है। आई विजिटेड जॉन्स एंड मैरिस हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। ओके नाउ देखिए ए टॉन्स वेट, मैं आपको बताया था जब भी आपका क्वांटिटी में आएगा मेजरमेंट में उसके बाद वेट लगेगा तो ये आपका क्या होगा, ए टॉन्स वेट इज टू हैवी फॉर एनी वन टू कैरी ऑन हिज, ये आपका एकदम करेक्ट है। आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वॉज वेरी टेंस, देखिए आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन टाउन वॉज वेरी टेंस। ओके एकदम सही है, आई स्टॉप्ड हिज गोइंग आउट लेट एट नाइट। ओके ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सॉन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चंस एंड देयर बाय वेस्टिंग द टीचर। ओके ही डिड नॉट अप्रूव, ओके वो अप्रूव नहीं किए ऑफ हिज सॉन्स रेजिंग दूसरा होता है यहाँ पर सॉन्स रेजिंग। तो आज एक दस्तक करेंगे उसके बाद उसको छेड़ेंगे। अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफल एज इंडिया, देखिए अमेरिकाज प्रॉब्लम्स नहीं होगा, द प्रॉब्लम ऑफ अमेरिका होता है, द प्रॉब्लम्स ऑफ अमेरिका आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस। ओके यहाँ पे यू टोन ऑफ स्पीकिंग, देखिए ईयर टोन टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज ईयर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। यहाँ पे देखिए ईयर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज ईयर फ्रेंड्स इज रियली एक्सट्रीमली सार्कास्टिक येट वी नेवर टेक इट सीरियसली। ओके तो एकदम सही है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज, यहाँ पे कंट्रीज नहीं होगा, सी अपोस्ट्रोफी सेस नहीं लगा, सी आपको कंट्रीज होगा। ओके कंट्रीज होगा यहाँ पे, द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्रीज। ओके ना कि अपोस्ट्रोफी सेस। ओके योर टोन ऑफ स्पीकिंग एज वेल एज योर फ्रेंड्स इज रियली एस्टिमेट, खत्म हो गया। तो अभी हम 10 कर दिया, आप इसे ही आप इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं 11 12 13 14 स्क्रीनशॉट लेके। ये सबसे एसएससी सीजीएल रिलेवेंट बुक है, इससे ज़्यादा ओके उसके बाद देखिए ओके आप इसको पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन इसको लिख सकते हैं, मैं भी स्लो रोल डाउन करता हूँ। ओके तो आप मुझे लगता है आप इसको पूरा लिख लिए होगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।